नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मुहर्रम के मद्देनजर शहर में निकला फ्लैग मार्च, कोविड 19 गाइडलाइन पालन करने का दिया गया संदेश। परंडी चौक पर पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन करने वाले जेएमएम कार्यकर्ताओं को ढालभूम एसडीओ ने लगाई फटकार। पुलिस ने नटवरलाल औरंगजेब को भेजा न्यायिक हिरासत, टीम की तलाश जारी। और अंग्रेजी शराब दुकानों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को दी गई चेतावनी। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में मुहर्रम पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहर में शांति व्यवस्था को कायम रखने हेतु गुरुवार को शहर के कई इलाकों में रैफ एवं जिला प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। वैसे इस बार भी कोरोना नियमों के पालन हेतु जुलूस नहीं निकाले जाने का निर्देश पहले से ही दे दिया गया था और तमाम तरह की तैयारी भी जिला प्रशासन ने पर्व के मद्देनजर कर ली है। 19 तथा 20 अगस्त को मुहर्रम पर्व मनाया जाना है। इससे पूर्व जिला प्रशासन तथा रैफ के जवानों ने शहर के मानगो, धतकड़ी एवं जुगसला इलाके में फ्लैग मार्च किया और शांति व्यवस्था को बहाल रखने का निर्देश सभी को दिया। बातचीत के क्रम में रैफ के कमांडेंट विश्वदीप साहा ने कहा कि शहर में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम पर्व को संपन्न करवाना ही उनका लक्ष्य है। अगर इसमें कोई असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो वह उनसे सख्ती से निपटेंगे। शहर भर में जिला प्रशासन के जवानों के साथ रैफ के दो कंपनियों को उतारा गया है जो शांति व्यवस्था को बहाल रखने का कार्य करेंगे। आप लोगों सब देख रहे हैं 19-20 तारीख को मुहर्रम के लिए रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च हो रहा है इस एरिया में और किसी भी तरह का असामाजिक तत्वों का किसी भी तरह का गड़बड़ी के लिए हमारा बल तैयार है और किसी भी असामाजिक तत्व जो भी असामाजिक तत्व है उनको चेत दर्ज करना चाहिए, उनसे निपटने के लिए हमारा फोर्स हमेशा तैयार है और बिल्कुल शांतिपूर्वक मुहर्रम संपन्न किया जाए। कितने बैटालियन यहाँ लगाया गया सर पूरे मुहर्रम में? कंपनी जो है दो कंपनी लगा रही है, सिविल पुलिस के साथ में सिविल पुलिस का भी थोड़ी सी सामान्य है, वैसे कोई इश्यू नहीं है। बस मेन मुद्दा यही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अभी हम सबको हिदायत दे रहे हैं कि जो है कोरोना से संबंधित किसी तीसरे लहर आने की संभावना है और त्यौहार का टाइम है तो सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनुपालन जरूरी है, अदरवाइज प्रशासन जो है एक्शन लेगा और FIR होगा। इससे बेहतर है कि सारे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। सर हमने खुद कवरेज किया है, आप खुद लोगों को मना कर रहे हैं, दुकानदार बिना मास्क में बैठे रहते हैं, आम पब्लिक भी जागरूक नहीं हो रहे, तो इसके लिए क्या है लोग अपने आप को कोई जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं लोग? देखो प्रशासन की तरफ से प्रशासन पूरी तरीके से सारे लोगों को हिदायत दे रहा है और प्रशासन एक्शन भी ले रहा है, लेकिन हम लोगों से हम यही अपील करेंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए। इस तरीके से और राज्यों में और देश में जो स्थिति है और देशों में जो स्थिति है तो मुझे लगता है कि एज ए सिटीजन होने के नाते हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। उधर छोटा गोविंदपुर की दुष्कर्म की शिकार बनी नाबालिग लड़की को केस उठाने के लिए धमकी मिल रही है। बताया जाता है पीड़िता को पैसे देकर मामले का समझौता करने का दबाव पड़ रहा था। गुरुवार को माले के नेता DC से मिलकर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और मामले का निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इधर इस संबंध में माले नेता ने जानकारी दी। बताते रहिए किस मामले को लेकर आए। कप्पा माले पूर्वी सिंह जमशेदपुर
गोविंदपुर में 3 अगस्त को दुष्कर्म की घटना हुई। हम लोग को पता चला, हम लोग जांच टीम वहाँ गए, पता किए तो पाए कि पीड़िता को लगातार धमकी दी जा रही है, उसको केस उठाने के लिए उसको प्रेशर दिया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग डीसी से मांग करने आए हैं कि आप पीड़िता को है वो सुरक्षा प्रदान करें और दोषी को जल्द से जल्द। और छोटा गमहरिया की रहने वाली एक अज्ञात गंभीर रूप से घायल महिला को MGM अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जाता है अज्ञात महिला का गला कटा हुआ है और उसके सर पर चोट है। बुधवार की रात में 108 एम्बुलेंस की मदद से महिला को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया। गमहरिया पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नर्स वर्स सब इनकी सेवा कर रहे हैं। इनके परिवार के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, ये अननोन है और मैं चाहता हूँ कि न्यूज़ के माध्यम से इनके परिवार को ये पता चल जाए ताकि आके इनके परिवार वाले इनका और उचित इलाज करा सकें। वही सोनारे स्थित आर्मी के अस्तित्व संस्था ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। जमशेदपुर के सोनारे स्थित आर्मी कैंप में अस्तित्व संस्था के तरफ से रक्षाबंधन का त्यौहार देश के सैनिकों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध कर मनाया गया। सैनिक भाइयों में राखी बांधने के बाद जो खुशी उनके चेहरे पर दिखी, सभी ने अपने बहनों का आभार व्यक्त किया। अस्तित्व संस्था के सचिव श्रीमती मीरा तिवारी की अध्यक्षता में रक्षाबंधन का कार्यक्रम सोनारी स्थित आर्मी कैंप में सैनिकों को राखी बांधकर एवं तिलक लगाकर और उनकी आरती उतारकर तत्पश्चात मुँह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी गई। जिस प्रकार सैनिक हमारे देश के सीमा पर अपने प्राण निछावर करने को तैयार रहते हैं, ऐसे में ईश्वर से उनकी रक्षा की कामना करते हुए संस्था के सभी सदस्यों ने उनकी कलाई पर राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आर्मी चीफ हेड अमित भारद्वाज की उपस्थिति में और उनको राखी बांधकर शुरुआत की गई। आज के दिन अपने देश के सैनिकों जो हमारे देश की सीमा पर हम ही भारतीयों के प्राणों की रक्षा के लिए रात दिन किए रहते हैं और अपने प्राण तक निछावर के लिए तैयार रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए हम अपना कर्तव्य समझकर एक बहन का फर्ज निभाते हुए उनको रक्षा बांधकर उनकी रक्षा की कामना कर रहे हैं। अस्तित्व संस्था के तरफ से हम लोग सारी बहनें आज सोनारी आर्मी कैंप में आए हैं और उनको रक्षाबंधन का त्यौहार मना के उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। और सरायकेला जिला चांडिल थाना अंतर्गत NH-33 शासन बने स्थित हिल व्यू होटल के समीप बुजुर्ग महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हाईवे वेलफेयर सोसाइटी की पहल पर घायल महिला को इलाज के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। चांडिल थाना अंतर्गत NH-33 आसन बनी स्थित हिल व्यू होटल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक अज्ञात बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में घंटों महिला NH-33 पर पड़ी रही। हाईवे वेलफेयर सोसाइटी आसन बनी के प्रमोद उराव और दिलीप चंद्र महतो के पहल पर बुजुर्ग महिला के बेहतर इलाज के लिए अपने वाहन से MGM अस्पताल भेजा गया। महिला कहाँ की है, कहाँ रह रही है, कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, आज सुबह लगभग 4:45 बजे मेरे को फोन आया कि हाईवे में हिलवी होटल के सामने एक वृद्ध व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और सांसें चल रही है। तो हमने तुरंत उप प्रमुख को फ़ोन किया और घटनास्थल पर गए तो देखे उसका सांस चल रही है। तो हमने बड़ाबाबू को तुरंत दोनों उप प्रमुख भी और दिलीप कुमार महतो दोनों भी फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ है, उसका सांस चल रहा है, बट उसको तुरंत। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा शहर भर के तमाम वाइन शॉप में अभियान चलाकर कोविड नियमों की जांच की गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी गई। इस दौरान दंडाधिकारी भी मौजूद रहे। इनके द्वारा शहर भर के तमाम वाइन शॉप में इस अभियान को चलाया गया, जहाँ दुकान के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों की जाँच की गयी। वही दुकानों में कर्मचारी बिना मास्क के पाए गए, जिन्हें सख्त चेतावनी दी गयी। आगामी दिनों में संभावित राज्य भर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस अभियान को जिला प्रशासन ने चलाया। जितने भी वाइन शॉप्स हैं,
इसमें सभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको लागू करने के लिए हम सभी वाइन शॉप्स में जा रहे हैं और ये भी इंश्योर करा रहे हैं कि सभी दुकानें जो वाइन शॉप्स है वो समय से बंद हो और अगर भीड़ होगी तो भीड़ को भी वो मैनेज करें उसमें ध्यान रखें। तो अभी तक क्या पाया गया है जांच कर रहे हैं? कई कई लोग मास्क नहीं लगा रहे, उनको बोला गया, उनको आखिरी चेतावनी दी गई कि उनको मास्क लगाना है। अगर लोग नहीं इसका पालन करते हैं या जो भी कोविड के गाइडलाइंस उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उनका दुकान उनकी जो वाइन शॉप्स है अगली बार हम लोग अगर कोई बात है कि वो लोग उल्लंघन करें किसी भी रूल का तो उनका वाइन शॉप को बंद। वहीं परसोडी मकदमपुर से टाटानगर रेलवे स्टेशन मुख्य मार्ग पर इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे लेकर मुख्य सड़क किनारे आकसू पार्टी ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। विगत दिनों टाटानगर रेलवे स्टेशन से होते हुए परसोडी की ओर जा रहे मुख्य मार्ग रेलवे फाटक के निकट गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पूरे क्षेत्र में 2 लाख की आबादी निवास करती है, ऐसे में क्षेत्रवासियों का जीना मुहाल हो गया है, जिसे लेकर आसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मानिक मलिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सड़क किनारे प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया। जानकारी देते हुए जिला उपाध्यक्ष मानिक मलिक ने बताया कि क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के अंबार के निराकरण को लेकर बहुत जल्द उपायुक्त से मुलाकात कर इस संबंध में शिकायत की जाएगी। अगर इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो आसू पार्टी द्वारा आंदोलन का रूप अख्तियार किया जाएगा। आज हम लोग आसू पार्टी के नेतृत्व में एक परसोडी जो एक मुख्य सड़क है उसमें काफ़ी गंदगी और अंबार लगा हुआ है, वही मांग को लेकर हम लोग एक जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपेंगे। इसके तहत ये मुख्य सड़क जबकि 2 लाख लगभग आबादी इस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन आज परसोडी का अगर आप देखिएगा तो परसोडी बोलने से आदमी का एक दिमाग में आ जाता है कि किस तरह का वातावरण में यहाँ के लोग जीते हैं। रोड की स्थिति देखिए, उसके बाद गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आने जाने का रास्ता एकदम छोटा है। यही मांग को लेकर हम लोग कल डीसी साहब से मिलेंगे और हम लोग आसू पार्टी के नेतृत्व में एक परसोडी जो एक मुख्य सड़क है उसमें काफ़ी गंदगी और अंबार लगा हुआ है, वही मांग को लेकर हम लोग एक जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपेंगे। इसके तहत ये मुख्य सड़क जबकि 2 लाख लगभग आबादी इस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन आज परसोडी का अगर आप देखिएगा तो परसोडी बोलने से आदमी का एक दिमाग में आ जाता है कि किस तरह का वातावरण में यहाँ के लोग जीते हैं। रोड की स्थिति देखिए, उसके बाद गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आने जाने का रास्ता एकदम छोटा है। यही मांग को लेकर हम लोग कल डीसी साहब से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें, नहीं तो आसू पार्टी आंदोलन करें। क्या चाहते हैं, क्या आप वो मांग? हम लोग चाहते हैं, देखिए इसके पहले भी LDO साहब ने जांच के दौरान एक बार आए थे, धरातल पे निरीक्षण भी किए थे और उन्होंने कहा था कि 40 दुकान यहां पर अलॉटमेंट होगी, कहीं ना कहीं इसको किसी कारण बस बंद कर दिया गया। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ।
सरायकेला के राजनगर प्रखंड मुख्यालय परिसर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन उपस्थित थे। इसके अलावा टीसी अरवा राजकमल, बीडीओ, सीडीपीओ समेत कई पदाधिकारी मौके पर उपस्थित थे। वहीं दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, स्टिक आदि सामग्री का वितरण किया गया, ताकि दिव्यांगों को किसी प्रकार के दिक्कत नहीं हो। वहीं इस संबंध में मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि दिव्यांगों के बीच गुरुवार को सामाजिक अधिकारिता शिविर में ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, स्ट्रिक आदि सामग्री का वितरण किया गया, ताकि दिव्यांगों को राहत मिल सके। हमारी सरकार काफ़ी काम कर रही है। कार्यक्रम जिला के अंदर में पिछले दिन सरायकेला प्रखंड में हुआ, आज राजनगर प्रखंड में। दिव्यांग जन जो है, छोटे बच्चे से बड़े भी, इनको बहुत प्रकार के कृत्रिम अंग भी होता है जो चलने में लगता है, किसी का साइकिल और तरह तरह की है। अंग किसका क्या कमजोरी है ये तो सूची बना हुआ है, इसलिए राज्य सरकार से भी होते हैं, केंद्र सरकार से भी कार्यक्रम किया जाता है। इसको बेहतर करने के लिए हमारा सोच है, सीएम से बात करके इसको बेहतर आउट करेंगे। जो साइकिल जहाँ अपना हाथ से ही सब कुछ करता है, ब्रेक भी अपना हाथ से ही करता है। इधर करंडी चौक पर जेएमएम जमशेदपुर प्रखंड की ओर से पेट्रोल डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ पेट्रोलियम मंत्री का पुतला जलाया गया। इससे मौके पर बिना मास्क पहने और बगैर सामाजिक दूरी बनाए जेएमएम समर्थक पेट्रोलियम मंत्री का पुतला जलाने का कार्यक्रम कर रहे थे। इसी बीच धालमोम एसडीओ गुजर रहे थे, वहां पर रुककर जेएमएम कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई। इधर जेएमएम के जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने केंद्र को गरीब विरोधी बताया। अरे आवाज लगाते रहे, आवाज भैया नहीं, क्या कर रहे हैं नजारा देखो, चलो निकले सर, मास्क लगाओ, बजान बना के अंदर दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा करंडी चौक में केंद्र सरकार का पुतला दहन किए और साथ में साथ पेट्रोल डीजल गैस से संबंधित मंत्री का पुतला हम लोगों ने दहन किए। विगत कुछ महीनों से इस तरह का पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ रहा है, इससे पूरा जनता खपा है और जनता काफ़ी आक्रोश में है, क्योंकि जब हमारे केंद्र के सरकार ने कहा था कि जिस दिन हमारा सरकार बनेगा हम जनता को जनता के लिए अच्छा दिन लाएंगे, तो क्या यही अच्छा दिन है जो आज एक महीना में 20 रुपये 30 रुपये करके गैस पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, ये काफ़ी निंदनीय है। उधर पोटका प्रखंड के विभिन्न गांवों के युवाओं ने गुरुवार हाता पावर सब स्टेशन पहुंचकर बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं पावर सब स्टेशन के मुख्य गेट पर युवाओं ने टीवी और अन्य सामग्री को तोड़कर विरोध जताया। वहीं प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि गुरुवार को हाता चौक से हाता पावर सब स्टेशन तक उन लोगों ने पैदल मार्च कर बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि 24 घंटे में मात्र 5 घंटे ही बिजली उन लोगों को केवल मिलती है, जिससे यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। वे लोग राज्य और केंद्र सरकार की खबरों को भी नहीं देख पाते हैं, जिससे सरकार की किसी भी योजना की समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए उन लोगों की मांग है कि कम से कम 16 घंटे क्षेत्र की जनता को बिजली मिले। आज का प्रदर्शन इसी बात पे था कि बिजली हमें सही ढंग से मिलती नहीं है, काफ़ी तकलीफ है बिजली सही ढंग से नहीं मिलने से हर परिवार को। आज के डेट में बिजली बहुत ज़रूरत का चीज़ है,
आप घर में न्यूज देखना चाहेंगे तो न्यूज भी नहीं देख पाते हैं। बच्चा लोग सुबह को ट्यूशन जाता है तो भी पानी का दरकार होता है, पानी गर्म करने का दरकार, तो बिजली बिना कुछ संभव नहीं है। और यहाँ पर तानाशाही बिजली का चल रही है, बिजली 24 घंटा में 5 घंटा 4 घंटा कभी 2 घंटा कभी रात रात भर बिजली गायब रहता है। तो हमारा सरकार से और बिजली विभाग से ही मांग है कि इसको तत्काल सुधार किया जाए और हमें सुचारू रूप से बिजली दिया जाए, कम से कम 24 घंटा में 15 घंटा बिजली दिया जाए, अन्यथा हम लोग अपना इस विरोध प्रदर्शन और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। देखिए आप सभी को पता होगा ही कि हमारे पोटका क्षेत्र में विगत कुछ सालों से हमारे क्षेत्र में बिजली विभाग इतना खराब व्यवस्था है कि हमारे क्षेत्र में बिजली दूर की बात 24 घंटा हमारे झारखंड सरकार देने का वादा किया था और 24 घंटा में केवल 5 या 6 घंटा वो भी आधा घंटा 1 घंटा मिला के दे रही है। ये हमारे पोटका क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लोगों ने पूरे आक्रोश है, गुस्से हैं, विभिन्न गाँव के युवाओं द्वारा या लोगों द्वारा हमारे हाटा चौक से विरोध प्रदर्शन करते हुए हमारे पोटका डीवी से आए और हम लोग डीवी से आके हम लोग टीवी लाइट एलईडी जो कुछ हमारे घर में था वो आके हम लोग यहाँ जमा किए थोड़े थोड़े। और एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान के समीप अतिक्रमण हटाने गए जुस्को के अधिकारियों का स्थानीय दुकानदार एवं भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के लोगों ने जमकर विरोध किया। जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जुस्को द्वारा रोड चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसी के तहत एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान के समीप कुछ दुकानों को जुस्को द्वारा हटाने का प्रयास किया जिसके विरोध में भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा कंपनी की मनमानी का पुरजोर विरोध किया गया। वहीं विधायक सरयू राय के करीबी राम नारायण शर्मा ने कहा, पिछले दिनों दुकानदारों को लेकर विधायक सरयू राय के द्वारा जुस्को के अधिकारियों के साथ वार्ता में यह तय हुआ था कि यह सभी दुकानदार रोड किनारे दुकान लगाकर अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएंगे। इस पर कंपनी के अधिकारियों की सहमति भी बनी थी। इसके बावजूद गुरुवार को जुस्को कंपनी के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे थे, जहाँ पार्टी के लोग मनमानी का विरोध कर रहे हैं न कि विकास का। माननीय सरयू राय विधायक यहाँ पर जो विवाद उत्पन्न हुआ था स्वयं यहाँ आए थे और जुस्को के पदाधिकारी भी थे। उन्होंने एक डिमार्केशन तय कर दिया था जुस्को के सहमति से कि उसके बाद आगे आप नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दुकानदार लोग जेनेसी को सब अपना रसीद कटवाता है और पैसा देता है, उसका भाड़ा देता है, तो ये लोग मान गए थे। लेकिन राय जी कल विधायक यहाँ से चले गए और आज ये लोग जिस तरह का तांडव जुस्को के कुछ पदाधिकारियों ने वहाँ के गुंडों ने किया है कि शहर को अशांत करने का काम किया है। जब एक जनप्रतिनिधि के सामने कोई सहमति बन जाती है तो जनप्रतिनिधि से बड़ा जुस्को भी नहीं है। राय जैसे हमारी भी आज बात हुई, जब इन लोगों की मनमानी हुई, मनोज सिंह फोन किए थे, मनोज सिंह के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम चला है, आंदोलन कर रहे हैं, तो हमको राय जी से बात हुई, राय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जुस्को से हमारी बात हो गई है शर्मा जी, और पुलिस प्रशासन भी जा रहा है थाना, और जो हम तय करके आए हैं वहीं पर काम हो गया, अच्छा काम नहीं होगा, वहां पर मनोज सिंह को भी निर्देश दे दिए थे कि काम नहीं होगा। उधर जोगसलाई पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नटवर लाल औरंगजेब को भेजा गया जेल, 10 चार पहिया वाहन बरामद किए गए। जोगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत मिल्लत नगर का रहने वाला औरंगजेब टिस्को कंपनी का गेट पास दिखाकर लोगों से टिस्को में वाहन चलाने के नाम पर गाड़ी लिया करता था। इस एवज में महान मालिकों से 28,000 रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिया करता था और वाहनों को कदमा निवासी मुन्ना सिंह दीपू और सोनारी निवासी सूरज के माध्यम से गाड़ी अन्य किसी के पास बंधक में रखवाने के लिए दे दिया करता था। इस एवज में मुन्ना सिंह दीपू और सूरज औरंगजेब से बंधक में मिलने वाली राशि में 15% ब्याज लेते थे। इस तरह से औरंगजेब और उसके सहयोगी द्वारा लाखों रुपए का चूना लोगों को लगाया जा चुका है। पीड़ित वाहन मालिकों ने इस संबंध में जुगसलाई थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम का गठन हुआ और इस सिंडिकेट का खुलासा हुआ, जहां इस मामले में पुलिस ने औरंगजेब को जेल भेज दिया है, जबकि अन्य 3 फरार है जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। वहीं जिले के SSP ने बताया कि जुगसलाई निवासी वाहिद मुराद के द्वारा जुगसलाई थाने में गिरफ्तार औरंगजेब के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया, जहां जांच के क्रम में पाया गया कि इस घटना में केवल औरंगजेब ही नहीं बल्कि इसके साथ अन्य साथी भी है, जो लोगों से टिस्को में भाड़े पर गाड़ी चलाने के नाम पर वाहन लेते हैं और उसे अन्य किसी व्यक्ति के पास बंधक रख देते हैं।
इस दौरान इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर वाहन मालिकों से मोटी रकम भी लेते हैं। ऐसा कर कई लोगों को इन्होंने चूना लगा दिया। फिलहाल 10 चार पहिया वाहन पुलिस ने जब्त कर लिया है। उन्होंने कहा, गिरफ्तार अपराधी औरंगजेब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये जो जुगसराय क्षेत्र में पुरानी बस्ती रोड पंजी मोहल्ला में रहने वाले वाहिद मुराद जिसे नामक व्यक्ति एक मोहम्मद औरंगजेब आलम जो MP रोड मिल्लत नगर राजेंद्र टाल के पास में रहने वाले के खिलाफ में एक आवेदन दर्ज किए थे जुगसराय थाना में। उनको कहना था कि जो उनके गाड़ी को इन्होंने टाटा स्टील में वाड़ा पे लगाने के नाम पे लिए थे कुछ दिन पूर्व, और गाड़ी का वाड़ा भी नहीं मिल रहा है और गाड़ी कहाँ पर है ये भी जानकारी नहीं है। इस संबंध में 420-406 में कांड दर्ज करते हुए अग्रतर अनुसंधान किया गया है। और MGM अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अस्पताल आने वाले लोगों की कोरोना जांच शुरू की गई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए MGM अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल आने वाले लोगों को पहले कोरोना जांच से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद अस्पताल के अंदर प्रवेश मिलेगा। इसकी शुरुआत गुरुवार से की गई है। इस संबंध में MGM अस्पताल के डॉक्टर ने जानकारी दी। ये SDO साहब के सर से हम लोग को यहाँ कैंप लगाने का आदेश मिला है, और अभी तक जो भी जांच हुआ है इसमें से कोई भी मरीज जो है पॉजिटिव नहीं मिला है। कितना आदमी का रोज टारगेट है, कितने का है? और 250 से 300 तक का टारगेट रहता है। उधर परमा माइंस और धतकड़ी हरिजन बस्ती में 18 प्लस लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाने के लिए कैंप लगाने की मांग DC से की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बर्मा माइंस मुखी समाज के अध्यक्ष महेश मुखी ने बताया, धतकड़ी और हरिजन बस्ती में कोरोना रोधी टीका लगाने के लिए कैंप लगाने की मांग DC से की गई है। ज्ञापन सबके ज्ञान अच्छी कहना चाहता हूँ कि बराना मुख्य बस्ती में
बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन से वंचित है और उन लोगों के पास सोलह के कारण से स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि डीसी को लेटर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे कैंप जबरदस्त कराया जाए। कितने लोग होंगे मुफी भाई? कम से कम 150 से 200 लोग अभी भी वंचित हैं। किसी को वैक्सीन मिला नहीं है? नहीं, वैक्सीन मिल रहे हैं और हमारा क्षेत्र में नामदावस्ती में वैक्सीन केंद्र है। मैं चाहता हूँ कि समझ बस्ती में भी केंद्र लगाया जाए ताकि लोगों को सहूलत हो सके और इस इलाज से कोई वंचित ना हो। आज किससे मिलने के लिए आए हैं? आज हम लोग 5 महीने से मिलने आए हैं। उधर झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव के प्रभाकर राव को टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक बैडमिंटन में टीम मैनेजर सह कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। जमशेदपुर स्थित मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम में एक वार्ता कर कमेटी ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि आगामी 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जापान के टोक्यो शहर में पैरालंपिक गेम्स खेले जाने हैं और इसमें बैडमिंटन खेल भी शामिल है, जिसमें विश्व भर से 17 देशों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। भारत देश के भी 7 खिलाड़ी इसमें भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव के प्रभाकर राव को भारतीय टीम के मैनेजर सह कोच के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके बाद झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन ने इसकी सराहना की, साथ ही कोच के प्रभाकर राव का हौसला भी बढ़ाया। वहीं नए कोच सह मैनेजर के प्रभाकर राव ने उम्मीद जताई है कि भारतीय टीम 3 मेडलों पर अपना कब्जा जमाएगी। झारखंड बैडमिंटन की ओर से बुलाया गया और हम झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अभी 24 तारीख से पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहा है टोक्यो जापान में। इसमें हमें भारतीय टीम के नेतृत्व करने के लिए लीडर के रूप में, मैनेजर के रूप में चयन किया गया, सेलेक्ट किया गया, तो उसी के आधार पर ये हमारे पूरे झारखंड का पूरे पूर्वी जोन का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा या हिंदुस्तान में सिर्फ बैडमिंटन में एक ही लीडर के रूप में चुना गया, वो मुझे, तो उसी का नेतृत्व करने के लिए हम 27 तारीख को टीम लेके टोक्यो जा रहे हैं दिल्ली से, और जितने भी प्लेयर हैं हमारे 7 प्लेयर हैं और 4 ऑफिसर हेड कोच के रूप में द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त गौरव खन्ना है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मुहर्रम के मद्देनजर शहर में निकला फ्लैग मार्च, कोविड-19 गाइडलाइन पालन करने का दिया गया संदेश। परंडी चौक पर पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन करने वाले जेएमएम कार्यकर्ताओं को ढालगुम एसडीओ ने लगाई फटकार। पुलिस ने नटवरलाल औरंगजेब को भेजा न्यायिक हिरासत, टीम की तलाश जारी। और अंग्रेजी शराब दुकानों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को दी गई चेतावनी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।